राजधानी भोपाल से इस वक्त की खबर, जहां बिलाबोंग स्कूल की बस में छात्रा से दुष्कर्म का मामला, जहां दुष्कर्म मामले में आज सुनाया जाएगा फैसला। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई पूरी होगी। 31 लोगों की गवाही के बाद आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। 12 सितंबर की बात है, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तो देखिये, बिलाबोंग स्कूल की आपको मामला बता दें, जहां एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। ड्राइवर ने, उस हैवान ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। 31 लोगों की गवाही के बाद जो है आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। पूरा मामला आपको बता दें कि बिलाबोंग स्कूल की बस में छात्रा से दुष्कर्म किया गया था और आज कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और आज फैसला सामने आएगा। 31 लोगों की गवाही के बाद आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अजय शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, तो आज कोर्ट फैसला सुनाएगा उस हैवान के खिलाफ जिसने एक मासूम के साथ दुष्कर्म किया था बस में। देखिए, इस पूरे मामले में यदि बात की जाए तो जिस तरीके से दुष्कर्म की वारदात निकलकर सामने आई थी स्कूली बस में, स्कूल के ही ड्राइवर के द्वारा, उस पूरे मामले में राजधानी भोपाल में तूल पकड़ा था। और ना सिर्फ इस मामले को लेकर कई दिनों तक पुलिस ने जांच की थी, उसके बाद तकरीबन 31 गवाह चिन्हित किए थे और इन्हीं 31 गवाहों के बयान कोर्ट में कराए गए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा मामला चला था। आरोपी ड्राइवर हनुमंत जाटव को से पुलिस ने कई बार पूछताछ की और इस पूरे मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य निकलकर सामने आए थे। तमाम सारे मध्य प्रदेश के जितने अभिभावक थे वो अपने स्कूलों के बच्चों को लेकर चिंतित हो गए थे। फिर अलग अलग तरीके से अलग अलग स्तर पर स्कूल बसों के खिलाफ मुहिम चलाई गई, स्कूल बसों में पैनिक बटन की बात की गई, लेकिन आज फैसले की घड़ी है। इन सब के भी पुलिस की भी निगाहें आज कोर्ट के फैसले पर टिकी होंगी, क्योंकि सवाल पुलिस की साख के ना सिर्फ दांव पर होने का है, बल्कि तमाम सारे उन स्कूल संचालकों को भी आज मैसेज कोर्ट से कन्वे हो जाएगा कि ऐसे मामलों को लेकर उन्हें कितना संवेदनशील रहना है। हालांकि समूचे मध्य प्रदेश के स्कूलों के स्कूली बसों की बात की जाए तो उनकी सुरक्षा को लेकर अलग अलग स्तर पर परिवहन विभाग ने सख्ती जरूर की, यातायात पुलिस ने अपने स्तर पर अभियान चलाए, लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इतने संवेदनशील मामले में पुलिस ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया और उसको नतीजे तक पहुंचाया। लेकिन आज फैसले की घड़ी है उन पीड़ित अभिभावकों के लिए, खासतौर पर जिन्होंने अपनी लड़ाई लंबी लड़ी, जिन्होंने ये बड़ी तकलीफ सही और जिनकी बच्ची के साथ ये दुष्कर्म की वारदात हुई, उन सब के साथ साथ स्कूल की साख भी आज दांव पे है बिलाबोंग की, जहाँ के प्रशासन, जहाँ के स्कूल प्रबंधन ने लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाया और स्कूली बच्चे की तकलीफ से परे जाकर समूचे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की। तो आज वो फैसला आएगा दोपहर के वक्त तक। सेकेंड हाफ में कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुना देगी। तकरीबन 31 लोगों की गवाही हुई है, अब देखना ये है कि क्या फैसला आता है। बिल्कुल अजय, तो लंबे समय के बाद फैसले की घड़ी आज दोपहर तक आ जाएगी। लगता है राजधानी भोपाल में सभी को जो है चैन की सांस मिलेगी इस फैसले के बाद। क्या कुछ फैसला सामने आता है, हम आपसे अपडेट लेंगे दोपहर में। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।